वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि नोट्स बनाने में कौन कौन सी स्टेशनरी की आवश्यकता होती है। हेलो स्टूडेंट, तो वीडियो में आगे बढ़ते हुए बताते हैं। तो सबसे पहले हमें नोट्स रेडी करने के लिए हमें सबसे पहली स्टेशनरी की आवश्यकता होगी, जो होगी हमें एक बुक, ठीक है ना। हमें एक लॉन्ग साइज की बुक परचेज करनी होगी मार्केट से, इस साइज की, ठीक है ना, और जो कि काफी ज्यादा पेजेस की होनी चाहिए, जिससे आप क्या है जिस भी सब्जेक्ट के बारे में आप क्या है नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो, उस सब्जेक्ट का पूरा एक ही बुक नोटबुक के अंदर आपका पूरा लिख जाए, ठीक है ना। तो हमें सबसे पहले यही देखना चाहिए कि हमें लॉन्ग साइज की, थोड़ा हमारा साइज कैसा होना चाहिए, इसका लॉन्ग होना चाहिए, लॉन्ग साइज की हमें यहाँ पर नोटबुक परचेज करनी चाहिए। आप मार्केट में आसानी से मिल जाती है, अगर नहीं मिलेगी तो आप एक और साइज की ऐसे आप पेज यहाँ पर परचेज कर सकते हो, जो A4 साइज के आपको पेज दिख रहे हैं तो इनको परचेज कर सकते हो और इनकी मार्केट में जाकर आप बाइंडिंग करा सकते हो, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, जैसे भी आपको, आप बोल भी सकते हो वहां पर स्टेशनरी पे जाकर कि हमें इस तरीके की कॉपी बनवाने, या मिल जाती है, आसानी से आपको मिल जाती है, ठीक है ना। तो इससे क्या है, फिर इसके अंदर सेकंड नंबर पर चीज हमें चाहिए होता है, हमारी फर्स्ट नंबर पर हमें बुक नोटबुक हमें परचेज करनी होती है, जो कि अच्छी पेजेस की होनी चाहिए और किस तरीके होनी चाहिए, ये आपको हमने बता दिया है। सेकंड नंबर पर चीज हमें चाहिए होते हैं मल्टी कलर पेन, ठीक है ना। मल्टी कलर पेन चाहिए होते हैं क्योंकि मल्टी कलर पेन से लिखने से नोट्स अच्छी तरीके से हमारा प्रिपेयर होता है, ठीक है ना। तो ये भी आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे, 150 या 200 के अप्रोक्स आपको मल्टी कलर, जैसे क्या होती है हमारी आई स्केचिंग नोट्स अच्छे से तैयार होती हैं, ठीक है ना। हमारी आई स्केचिंग अच्छी होती है क्योंकि हम जिस चीज, अगर हम जैसे अगर हम ब्लू ब्लैक से देखो, ब्लू ब्लैक से अगर लिखना होता है तो ये तो बुक में भी लिखा रहता है। बुक में क्या होता है कि जब हम इस तरीके से आपको लिखते हैं ना इन मल्टी कलर पेन से, तो आपको अट्रैक्ट दिखता है। मैं आपको बताता हूँ इन चीज के, अगर हम मल्टी कलर से लिखते हैं तो हमें देखने में भी अच्छा लगता है। जैसे कि इस चीज को देखिए, मल्टी कलर पेन से इसको बनाया गया है, तो देखिए आपको भी दिखने में अच्छा लग रहा होगा, पर जब भी आप इसको खोलकर पढ़ोगे ना तो आपको भी इससे अच्छा लगेगा, ठीक है ना। इस पेन की यूज करते हुए हम सारे नोट्स को हम प्रिपेयर करते हैं, देखिए बनाते हैं कि अच्छा लगता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट होता है, मल्टी कलर पेन के बाद हमें चाहिए होता है एक हाइलाइटर। हाइलाइटर आपको हमने जैसा कि बताया, हाइलाइटर क्या है कि हाइलाइटर से आप किसी भी इम्पोर्टेंट चीज को आप हाइलाइट कर सकते हो, ठीक है ना। ये भी मार्केट में आसानी से 15 से 20 रुपए में आसानी से उपलब्ध हो जाता है, तो आप वहां से जाके परचेज कर सकते हो। फिर हमें नेक्स्ट लेवल, फिर हमारे इस तरीके से एक आप स्टडी टेबल भी खरीद सकते हो, जो कि स्टडी टेबल मार्केट में आसानी से 250-300 रुपए में मिल जाती है, कि जैसे आप बैठते समय आप कंफर्टेबल रहो, ठीक है ना, लिखावट में एक कंफर्टेबल रहो। क्योंकि स्टडी टेबल मेरे पास भी रखी है, अभी मैं दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि उसमें हमारा आर्म स्टैंड लगा हुआ है, तो अब स्टेबल करने के लिए मोबाइल, तो अभी उस चीज से वेट में दिखाता हूँ। इनको भी परचेज कर सकते हो अगर आप पेपर पर लिख रहे हो, ठीक है ना। ये मार्कर आते हैं, सीडी डीवीडी, इनसे भी हम लिखते हैं काफी, आपने देखा होगा जब हम नोट्स बनाते हैं तो इनसे लिखते हैं, इनसे लिखते समय ये हमारा अट्रैक्ट दिखता है। मैं इसको भी बताता हूँ, देखिए इनसे लिखते समय भी हमें अच्छा लगता है, लिखते समय भी अट्रैक्ट लगता है। तो इनकी सहायता से हमें थोड़ा स्टेशनरी की जरूरत रहती है। और बाकी आप किसी भी चीज को अगर पढ़ रहे हो, नोट्स बना रहे हो, तो सबसे पहले आप उसको थोड़ा शॉर्ट में लिखते जाइए, ठीक है ना। तो कभी भी बुक के ऊपर और मोबाइल में नोट मत कीजिए, और हमेशा नोट्स में ही प्रिपेयर कीजिए। पेज की लालच बिल्कुल नहीं कीजिए कि हमें पेज की लालच करना है। मैं आपको दिखाता हूँ अब किस तरीके से आपको नोट्स में, ये तो हो गई हमारी स्टेशनरी की, हमें स्टेशनरी की यहाँ पर इतनी आवश्यकता होगी। देखिए
अब हमारी अभी हमने सबसे पहले बताया पेज लिखना किस टाइप से है। तो सबसे पहले फ्रंट पेज पर हम किसी भी चीज का नोट्स बना रहे हैं, जनरल नॉलेज, किसी भी मैथमेटिक्स, तो हम यहाँ पर मैथमेटिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जिस चीज, जैसे हमें यहाँ पर मैथमेटिक्स का एक टॉप एक सब्जेक्ट लिए पेपर लिए ऑपरेशन रिसर्च, तो यहाँ पर हमने क्या किया है ऑपरेशन रिसर्च को यहाँ पर एक मतलब बोल्ड मार्कर से यहाँ पर लिख दिया अच्छे अक्षरों में, ठीक है ना, ऑपरेशन, जिससे आपको आप उठाते हो तो आपको आसानी हो जाती है उठाने के समय, पढ़ते समय, कि ये हमारा ऑपरेशन रिसर्च की नोटबुक है। और बाकी अपना में ये कॉन्सेप्ट सेमेस्टर देखिए हमेशा इतना खरीदिए कि हमारी दोनों सेमेस्टर की इसमें बन जाए, ठीक है ना। यहाँ पर हमारा इसमें थर्ड का भी है और फोर्थ का भी हमारा कंटिन्यू अभी चल रहा है। तो जो भी आप इससे अगर और इसके बाद सर फिर सेकंड नंबर पेज पर आपको अपना सिलेबस लिखना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए किस तरीके से हमने इसको लिखा है, ये सब मल्टी कलर पेन से ही लिखे हैं, तो आप इनको इस तरीके से लिख सकते हो। देखिए आप नोट्स खुद प्रिपेयर कीजिए, बाकी वो भी चीज है कि आपको लेना है अच्छा नहीं लेना है, बाकी वो चीज प्रिपेयर करना से आपको ये आसानी हो जाती है कि आपने पढ़ा हुआ लिखा हुआ हमेशा याद रहता है। कि हमने अगर एग्जाम टाइम में आप हॉल में बैठे हो तो आपको ये चीज पता पड़ जाती कि हमने कौन सी चीज कब लिखी है और क्या गलत लिखी थी क्या सही लिखी थी, तो आपको एक क्लियरिटी पता पड़ जाती है। तो सेकंड पेज पर आपका देखिए पेपर टाइटल यहाँ पर दिख रहा है, पेपर टाइप ऑपरेशन सर्च और पेपर ऑप्शनल है हमारा थर्ड सेमेस्टर का, तो ये पूरे फर्स्ट फाइव यूनिट का दिया गया है यहाँ पर पूरा सिलेबस, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा पूरा मिल जाता है यहाँ पर पूरा नोट्स, ठीक है ना। तो आपको किस तरीके से ये लिखना है, ये हमारा पूरा थर्ड नोट्स है। देखिए कभी भी क्या है कि तीन तीन पेन के साथ अगर आप चल रहे हो, ठीक है ना, ब्लू ब्लैक रेड, रेड की फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, आई कैचिंग होती है, तो यहाँ पर अच्छा लगता है रेड, और ग्रीन का भी यूज कर सकते हैं, ब्लू ब्लैक, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए वहां पर आपको देखने को भी मिल रहा है, अब मल्टी कलर पेन मैंने एक दो दिन में ही मंगवाए हैं, ठीक है ना, तो अब इसकी सहायता से आने वाले नोट्स और भी प्रिपेयर करेंगे तो काफी आई स्केचिंग आपको अच्छी देखने को मिलेगी। तो क्या है कि सबसे पहले हमारा फ्रंट पेज में देखिए सबसे पेज अगर ऊपर, अब हम इसके आगे चलते हैं, ये तो हमारा थर्ड सेमेस्टर का हो गया था, इसके हमारा फोर्थ सेमेस्टर, जो कि हमने इसको थोड़ा और बेटर तरीके से बनाया, क्योंकि धीरे धीरे जिस तरीके से मैं भी स्टूडेंट हूं तो आपको भी सलाह देता हूं कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है तो जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो ये है कि सबसे पहले आपने फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड के इतने अच्छे नोट्स नहीं है, मतलब लिखना है नोट्स तो सही है बट लिखावट और जो कि हमने अभी बताया कि कलर कोड ये नहीं है। तो ये क्या है कि जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हो ना क्लास बाई क्लास या कुछ भी काम करते करते, तो आपको भी थोड़ा नॉलेज होने लगता है, एक्सपीरियंस होने लगता है, ठीक है। तो वही चीज हम एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये क्या है हमारा फोर्थ सेमेस्टर का नोट्स है, और फोर्थ सेमेस्टर नोट्स में देखिए काफी सिलेबस यहाँ पर भी लिखा है तो आपको अच्छा लग रहा होगा। देखें अगर हम भी पढ़ेंगे उठाएंगे इसको तो ये यूनिट फर्स्ट क्या क्या दिया गया है टॉपिक, हमें इस टॉपिक के बारे में अंदर दिया गया है। सेकेंड तो अच्छी तरीके से लिखिए, अगर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम तो ये हमारा पूरा मिल जाएगा। अगर आपको और भी अच्छी तरीके से तो यहाँ पर देखिए एक कॉलम और बॉक्स बना लीजिए, पेज नंबर लिख लीजिए कि हमारा पेज नंबर, तो आपको और भी आसानी होगी। और नोट्स में ये चीज ध्यान रखना, कभी भी क्या है कि बुक का पूरा नहीं लिखना, क्योंकि अपना थोड़ा माइंड लगाना, बुक का पूरा लिखने से क्यों हो जाएगा फिर बुक्स और आपके नोट्स में कोई अंतर नहीं रहेगा। तो नोट्स क्यों प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि हम अपनी समरीज यानी उस चीज को हम छोटे टाइप में थोड़ा याद करने के लिए नोट्स को प्रिपेयर करते हैं, और बाकी काफी इंपॉर्टेंट चीज को भी लिखते हैं। जैसे देखिए लिखना कैसे है, लिखने के लिए सबसे पहले आपको ये बॉर्डर पेज दिया जाता है। बॉर्डर क्यों दिए, सबसे पहले आप बॉर्डर बनाइए अगर आप इसमें लिख रहे हो। अगर आप सेकंड में लाइनिंग पेज पर लिख रहे हो तो देखिए जैसे लाइनिंग पेज में सबसे यहां पर देखिए पहले से ही लाइनिंग दी जाती है यहाँ पर बॉर्डर, तो ये रहता हमारा टाइटल के लिए। आपको यहाँ पर टाइटल टाइटल के लिए हमेशा एक ही पेन का यूज करें जिस पेन का आप प्रयोग यूज करते आ रहे। तो सर हम इसमें सजेस्ट करेंगे कि आप ब्लैक पेन का ही टाइटल के लिए हमेशा यूज करें, तो आप टाइटल हमेशा ब्लैक, क्योंकि आपको ध्यान रहेगा कि अगर ब्लैक लिखा है टाइटल लिखा है, बाकी सारा ब्लू, और बाकी नीचे अगर आपको समरी लिखनी है ब्लू और बाकी ब्लैक, और अगर बीच में अगर आप फिगर बना रहे हो किसी चीज का तो मल्टी कलर से यूज कीजिए, और कोई भी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद करनी हो और हमेशा ध्यान रखनी हो उसको आप हाईलाइट कर लीजिए, ठीक है ना।
तो इस तरीके से जैसे कि आपने देखिए यहाँ पर टाइटल लिखा है ब्लैक पेंसिल, यहाँ पर हमने हाईलाइट कर दिया क्योंकि अच्छा दिख रहा है कि हमें यहाँ पर पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखी है और पूरा यहाँ पर चित्र भी हमारे पास तब मल्टी कलर पेन नहीं थे तो मैंने इसको बनाया था, अब अवेल हो चुके हैं तो आगे आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से हमें इसको प्रिपेयर करना है, चित्र को हम बना सकते हैं। अभी हम बता आपको अभी भी थोड़ी देर पहले भी बताया भी है, जैसे देखिए अभी नेटवर्क एनालिसिस जो भी हमारा बॉर्डर में ब्लैक पेंसिल लिखा है, बाकी देखा ब्लू पेंसिल हमने ये लिखा है और बाकी पूरा ब्लू पेंसिल लिखा हुआ है, और जो भी हमारा फिगर है वो हमने मल्टी कलर पेन का यूज किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से, तो हमने यहाँ पर मल्टी कलर का पेन यूज किया है। तो आप इस तरीके से आप अपने थोड़ा और एक्सपीरियंस लेके आप खुद भी और प्रिपेयर कर सकते हो, बाकी कोई भी अगर प्रॉब्लम आपको जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें शेयर कर सकते हो, हम आपके लिए जरूर हेल्प करेंगे। अगर आप हमारे हमारे इस तरीके से ये भी नोट्स हैं जो हैंड रिटन नोट्स हैं, अगर आप इन्हें लेना चाहते हो पीडीएफ के तो आपको बहुत ही, क्योंकि देखो इन चीज को बनाने में मेहनत लगती है तो आपको मेहनत थोड़ा बहुत पैसा होता है, तो ज्यादा चार्ज नहीं है, 149 पर पेपर है। तो अगर आप इनको परचेज करना चाहते हो, और भी सब्जेक्ट हमारे पास हैं जैसा कि हमने इसके ऊपर एक वीडियो पहले से बनाई रखी है कि हम नोट्स कैसे परचेज करें, तो आपने जिसने नहीं देखी हो वीडियो यूट्यूब के पिन है तो आप वहां से जाके देख सकते हो, नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहां से भी जाकर आप देख सकते हो। और पेपर का प्राइस ज्यादा नहीं, 149 पर पेपर है, तो आप परचेज कर सकते हो जैसी आपकी इच्छा हो। तो वीडियो ज्यादा लेन न करते हुए यहाँ वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, आशा है कि आपकी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल बनाए हो तो सब्सक्राइब करो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, टाटा।